अब इससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, तो जोड़िएगा मत, ठीक है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू छेका। अगर आप चैनल पे नए हो, आपको ऐसे दारू से रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है और आपने अभी तक छेका को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले छेका को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक वोडका और जिसका नाम है आर्टिक वोडका। हम आर्टिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक इंटरेस्टिंग दारू तथ्य, तो एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। ऐसे भी लौंडा इतना स्मार्ट है तो उसको छोड़ के कैसे जा सकता है, राइट? तो एंड तक वीडियो को देखो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे आर्टिक की, लेकिन उससे पहले हम हमारे कलेक्शन टैग पे नजर मारते हैं, जो हमें बताना चाह रहा है कि ओरिजिन ऑफ दिस वोडका इज इंडिया, बॉटल इन सितंबर 2019 एंड आई परचेस दिस बॉटल इन नवंबर 2021। तो इसे मैं निकाल लेता हूं और फिलहाल के लिए साइड में रख लेता हूं और हम आगे बढ़ते हैं, इस वोडका के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो वोडका है, आर्टिक वोडका, ये आता है इटली से और इसे इंडिया में लाते हैं। इंडिया में ये मोदी इल्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टफोलियो के अंदर फॉल करता है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है उमेश मोदी ग्रुप का एंड इल्वा सिरेनो ग्रुप फ्रॉम इटली, एंड दे आर द सर्टनली वेरी फेमस लिकर प्रोड्यूसर अक्रॉस ग्लोब। और मोदी ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया, उमेश मोदी, अब इससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, तो जोड़िएगा मत, ठीक है। उमेश मोदी ग्रुप जो है वो इंडिया के अंदर, आपने रॉकफोर्ट का नाम सुना होगा, तो रॉकफोर्ट भी उन्हीं के विस्की पोर्टफोलियो के अंदर फॉल करती है, ठीक है जी। तो चलो अब हम आर्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। दिस इज 100% प्योर ग्रेन वोडका और इसे बनाया जाता है नेचुरल मिनरल वाटर से और उसके साथ साथ में सीक्रेट इटालियन इंग्रेडिएंट्स। और इफ यू टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वोडका स्पेसिफिकली, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है, उसके साथ साथ में ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, दैट्स इट। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वोडका। और ये जो वोडका है ये अवेलेबल है मोर देन 160 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और इसके दो फ्लेवर और भी आते हैं, वन इज ऑरेंज एंड द सेकंड वन इज ग्रीन एप्पल। और एक खूबी है इस वोडका की, ये वोडका जो है वो 4 बार डिस्टिल किया जाता है। यूजुअली आप देखेंगे तो आपको यू नो ट्वाइस, 2 बार डिस्टिल किए हुए वोडका मिलेंगे, ट्रिपल डिस्टिल वोडकाज मिलेंगे, ये वोडका 4 बार डिस्टिल किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इम्प्योरिटीज जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होंगी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वोडका जो है वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। तो हमने आर्टिक के बारे में ज्ञान तो आपको दे ही दिया है, अब देर किस बात की, इस बॉटल को खोलते हैं और इसे नोज करते हैं, इसे पीकर देखते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो वोडका है इसकी जो प्राइस है, इट इज 1600 फॉर 750 ml बॉटल। इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 42.8। तो चलो अब इसे पोर करते हैं ग्लास में। ऑलराइटी, हमारे रिव्यू के लिए इतना काफी है, बॉटल को बंद कर लेते हैं, दारू उड़ जाएगी। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कलर। कलर इज सरकोस क्रिस्टल क्लियर वाटर कलर, नो कलर एट ऑल, जो कहना है कह दो। अब हम इसकी नोजिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग, काफी स्मूथ नोट्स आ रहे हैं मुझे, कोई हार्शनेस नहीं आ रही है वोडका में से। स्लाइट आई वुड से हर्ब्स जैसे जो नोट्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं इसमें से। या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज। अब मैं इसे पीकर देख लेता हूं। चीयर्स गाइस। Mm-hmm.
what I'm getting is, of course, जो herbs, I think, you know, kind of spices, ये उनका थोड़ा सा spicy kind of feel दे रहा है मुझे on my palate. हल्का सा burn है इसके अंदर. So, I don't know, अगर ये उनका चार बार distill किया गया है तो इतना जो बर्न अभी मुझे फील हुआ, आई डोंट थिंक सो, वो इससे और ज़्यादा स्मूथ हो सकता था. आई टेक अ स्मॉल सिप अगेन एंड सी. आई डोंट नो, बट यू नो, इस वोडका की जो माउथ फील है, आई एम गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट जो मैंने, यू नो, वोडका के अंदर कभी मुझे मिला नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट. में इवन आई एम नॉट एबल टू डिफाइन कि कैसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन दैट्स नॉट, यू नो, यू वन वुड लाइक टू हैव दैट टेस्ट. वो माउथ फील कोई लेना, आई डोंट थिंक सो, पसंद करेगा. सो कुछ ऐसा आफ्टर टेस्ट आप कह सकते हो जो मुझे ऐसा फील हो रहा है. And nothing much I'm getting from this vodka. So I think for me this vodka is not that great. It's I would say decent kehlo, ya decent se okay kehlo, decent bhi nahi, okay kehlo, okay kind of vodka hai. Nothing much to offer. Halke se spices feel ho rahe hain. Though it is a plain vodka, to aap iske andar zyada kuch expect nahi kar sakte ho, lekin aap jo taste expect karte ho na, wo thoda sa smooth expect karte ho, which I think mujhe nahi mil raha hai, right? Aur iski jo category agar aap define karoge to somewhere Smirnoff ke aas paas aayega. To I think magic moment bhi isse pura nahi hai. Agar isse sasta magic moment milta hai to I think wo aap pee sakte ho. तो इतने ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इस वोडका के लिए. फॉर मी दिस वोडका इज़ नॉट दैट ग्रेट. ये थी मेरी रिकमेंडेशंस, और अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई करो और आप मुझे बताओ कि आपको ये वोडका कैसा लगा. ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की. भले ये वोडका इतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन हमारे दारू तथ्य तो इंटरेस्टिंग होते ही हैं, राइट? और आप जानते हो कि अगर आप वोडका का रिव्यू देख रहे हो तो मैं आपको जो दारू तथ्य है वो भी वोडका से रिलेटेड दूंगा. तो क्या आप सोच सकते हो, कोई ऐसा दिन सोच सकते हो कि वोडका गायब हो गया है? जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से गायब होगा, दुनिया से गायब हो गया, कहीं से भी गायब हो गया, मतलब है ही नहीं वोडका पीने के लिए. तो जो भी वोडका लवर्स होंगे वो तो मर ही जाएंगे एकदम. वोडका गायब कैसे, जिंदा रहेंगे हम कैसे? तो ऐसा भी एक दिन था. Yes, और आज का दारू तथ्य मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि रशिया, जिस मतलब वोडका आता ही रशिया से, राइट, रशियन जूस बोलते हैं वोडका को, रशिया के अंदर भी एक दिन ऐसा आया था. May 9, 1945, नाजी सरेंडर्ड टू द सोवियत यूनियन, और उस दिन इतनी ज़्यादा पार्टी करी गई, इतनी धमाल मचाई गई कि विद इन 22 आवर्स दे स्टार्टेड फेसिंग अ न्यू क्राइसिस. और वो क्राइसिस ये थी कि वोडका गायब हो चुका था रशिया से. रशिया में वोडका की क्राइसिस हो गई थी. आप सोच सकते हो कितना वोडका पी गए होंगे वो लोग, कि रशिया में वोडका ही नहीं बचा था उनके पीने के लिए. सो दैट वॉज अ फन फैक्ट अबाउट वोडका. एंड आई वुड से काइंड ऑफ यू नो स्मॉल स्टोरी कि रशिया से कभी वोडका भी गायब हुआ था. डेट याद कर लो, 9 मई 1945. ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वोडका रिव्यू, आर्टिक का रिव्यू. और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो क्लिक ऑन लाइक, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, प्रेस द बेल आइकन टू. और हम मिलेंगे अगले वीडियो में. दिस वॉज जय साइनिंग ऑफ फॉर द डे. चीयर्स.